तो मोशन ऑफ द ग्रेविटी में अभी तक हमने बॉल को कैसे घेरा, नीचे घेरा या ग्राउंड से ऊपर घेरा, सिंपल। अब मैं कैसे घेरूंगा, मान लो ये एक बिल्डिंग है, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, और मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि बिल्डिंग 10 मीटर लंबी है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर लेफ्ट हैंड साइड का बोर्ड दिख अच्छा नहीं रहा है थोड़ा ठीक सा। ठीक है, ये लो, ठीक है। तो लेट अस थैंक यू सर। सपोज, हाँ तो लेट अस सपोज ये जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, और यू इज इक्वल टू, आपने एक बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप में क्या लेंगे, यू इज इक्वल टू 0, बात खत्म। बॉल नीचे आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है, नीचे की तरफ होती है, ऊपर कभी नहीं होती, ग्रेविटी हमें नीचे ही खींचती है। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कहाँ है, नीचे है, राइट। नेक्स्ट है, अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है बॉल की, वो कहां पर है, ऊपर से नीचे है। बॉल कहां आ रही है, ऊपर से नीचे, कि नीचे से ऊपर, नहीं ऊपर से नीचे। तो अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कवर कहां पर है, नीचे, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कितने समय में बॉल नीचे आई, तो आप अप्लाई कर लेना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। एस की जगह आप 10 पुट कर लेना, ये 0 कर लेना, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन प्लस 9.8, नीचे आ रही है स्पीड बढ़ेगी, और इंटू टी का स्क्वायर, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, डन, आंसर क्लोज। कोई डाउट इसमें, इसमें कोई नई बात नहीं है जो मैंने सिखाया, ये कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो आप क्वेश्चन करते ही आए हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, फिर से हाइट 10 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, बॉल इनिशियली मैंने बॉल को नीचे फेंका, थ्रो किया, ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां रखी, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कहां है, नीचे, तीनों नीचे। तो आपसे अगर टाइम पूछे तो आप अप्लाई कर लेना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। तो आप एस की जगह 10 पुट कर लेना, इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। आप यहां पर क्वाड्रेटिक बनाना टी स्क्वायर और टी में, और टी की वैल्यू को निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, डन, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में नई बात है, बात कुछ ऐसी है कि आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हैं, 10 मीटर, आपने इस बार बॉल को कहां फेंका, ऊपर फेंका, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, और बॉल पहले क्या करेगी, ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, टाइम निकालो क्या होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो पता ही है इसमें क्या करना है, पर ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। सोचो क्या करेंगे इसमें, अगर हम इस पूरी जर्नी को या इस पूरी इस केस को डिस्कस करें, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, मैं इस पे फोकस करता हूं, हम देखते हैं। तो आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले ये बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही, फिर ये बॉडी कहां आएगी, नीचे आएगी, कुछ ऐसे, राइट, ऐसे ही होगा। तो जब ये बॉडी ऊपर गई, टाइम टेकन T1 निकाल लेते हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, T1, फिर ये बॉल यहां से यहां पे आएगी, T2, टाइम T1 T2 बराबर होगा, क्योंकि जितना टाइम एसेंट का होता है उतना टाइम डिसेंट का भी होता है, ऊपर और नीचे जाने का टाइम एग्जैक्टली सेम है, क्लियर है यहां तक। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे T1, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, तो T1 आ जाएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और G को -9.8 पुट करेंगे, T1, फिर यहां से यहां आने का टाइम आ गया T2, फिर तीसरा टाइम निकालेंगे यहां से नीचे आने का। तो यहां से नीचे आने के लिए आप यहां पर पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी यहां पर क्या है, 0, टाइम आपको नीचे आने का पता ही है, V इज यू प्लस ए टी से V आएगा, फिर S इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से T3 आएगा, फिर आप T1 को T2 को और T3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा।
कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहां तक? हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर इसमें मेरे को बहुत इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है। पहले ऊपर की जर्नी टाइम निकलेगा, फिर नीचे की जर्नी टाइम निकलेगा, फिर यहां पर वेलोसिटी निकलेगी, फिर एक और इक्वेशन एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक नया टाइम निकलेगा क्वाड्रेटिक से, तीनों को ऐड करूंगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट है, एक ही क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके एक मिनट में टाइम आ जाएगा पूरी जर्नी का, राइट? पर वो शॉर्टकट है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स यूज करता है। अब वेक्टर हमने ये नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर क्या है? वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शंस को कंसिडर करना। वेक्टर का मतलब डायरेक्शंस को कंसिडर करेंगे, और हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें डायरेक्शंस कहाँ कंसिडर की? हम तो कहते हैं यू पता है, वी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर। पर ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जर्नी ऊपर भी और जर्नी नीचे भी है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। नहीं तो जर्नी इधर होती है तो इधर, इधर होती है तो इधर, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, पर इसमें ऊपर और नीचे इकट्ठी है, राइट? तो इसको समझते हैं बिना वेक्टर्स के कैसे करना है। वेक्टर के साथ ये एक सेकंड का काम है, बिना वेक्टर के एक टेक्निक है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको बस ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहली चीज, मैं बार बार जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये कहा कि मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो अल्टीमेटली ये बॉल नीचे आई। जब ये बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है तो एक चीज बताओ मुझे, ये जाने के डिस्प्लेसमेंट और वापस आने के डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गई? कैंसल। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के टॉप से अगर आप बॉल को फेंकते हो, मान लो 2 मीटर बॉल ऊपर गई 2 मीटर नीचे आई, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रही एक्चुअल में, क्योंकि एस तो, क्योंकि तो कवर नहीं, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल क्या आएगी? सिर्फ 10 मीटर, ऊपर नीचे की तो कैंसिल ही हो जाएगी, मानते हो इस चीज को? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 मीटर, और ये बॉल 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर रही है? नीचे की तरफ 10 मीटर की ऊपर की तरफ? नीचे, क्योंकि बॉल कहां गिर रही है? फाइनली नीचे, क्योंकि ये जर्नी को अगर छोड़ दें इसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, अल्टीमेटली वो 10 मीटर नीचे ही कवर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? नीचे। इनिशियल वेलोसिटी कहां है? ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी कहां है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? नीचे। ये तो हमेशा ही नीचे है, ये तो ऊपर होती नहीं कभी भी, राइट? क्लियर है? तो अब क्योंकि इसमें डायरेक्शंस की प्रॉब्लम है, बॉडी ऊपर भी जा रही है नीचे भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिनकी डायरेक्शंस होती हैं वेलोसिटीज या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशंस, तो अगर मैं इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव लूं, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं मान लो, अगर मैं इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव लूं तो इधर की डायरेक्शन वेलोसिटी की ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेनी पड़ती है, ये शो करने के लिए कि अगर ये राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट नेगेटिव है। उसी तरीके से यहां पर कुछ टर्म्स ऊपर हैं और कुछ टर्म्स नीचे हैं, और तीनों के तीनों टर्म्स यू ए और जी ये सब वेक्टर्स हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो कुछ डायरेक्शंस ऊपर कुछ नीचे, तो हम एक डिसाइड करते हैं कि सपोज ये मेरा ओरिजिन है, बस ये ओरिजिन है। अब आपकी मर्जी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो ऊपर की डायरेक्शन को लूंगा पॉजिटिव और मैं नीचे की डायरेक्शंस को क्या लूंगा? नेगेटिव। एक स्टूडेंट कहता है कि ठीक है मेरी मर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन थोड़ी ना, मैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इस पॉइंट से अगर मैं उससे ये पूछूं कि अगर तूने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेगा वो? प्लस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है? ऊपर। इनिशियली बॉल को कहां फेंका गया था? ऊपर, तो उसने क्या लिया? +2। लेकिन अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हुई? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बारी आएगी तो पता है क्या पुट करेगा? -10, क्योंकि अगर वो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है तो नीचे नेगेटिव। हाँ उल्टा भी है, कोई कहता है जी मैं ऐसे लेता नहीं हूं, मैं तो उल्टा लूंगा। मैंने कहा क्या लेगा? वो कहता है जी मैं उल्टा लूंगा कि मैं नीचे की डायरेक्शन को ले लेता हूं पॉजिटिव और ऊपर को ले लेता हूं नेगेटिव। हाँ तो ले लो, कोई बात नहीं, तो भी आंसर सेम आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो जब उस स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि तू ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा है ना, तो पता इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो पता क्या बोलेगा? -2 मीटर पर सेकेंड। अब यू नेगेटिव बोलेगा, लेकिन जब उससे पूछेंगे
एस क्या है या एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट नीचे है। अब नीचे की डायरेक्शन क्या ली? तो क्या बोलेगा? प्लस 10। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं डिसाइड करता हूं कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो नीचे पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां है? नीचे। तो जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो मैं क्या पुट करूंगा? प्लस 9.8। क्लियर है यहां तक? तो ऊपर को नेगेटिव बोल दिया, नीचे को प्लस। अब मैं ऊपर नीचे नहीं बोलूंगा ना, अब मैं प्लस माइनस बोल दूंगा, और प्लस माइनस डायरेक्शन शो कर रही है कि ये ऊपर है और ये नीचे है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो अब अगर आप सीधी एक ही इक्वेशन अप्लाई करें जिसमें एस डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को 10 पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर सॉल्व करके टाइम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक से टाइम आएगा। अब ये टाइम वही टाइम आएगा अगर हम मेथड वन लंबा वाला लगाते कि पहले ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम, फिर बिल्कुल नीचे आने का टाइम। तीन टाइम निकालने की बजाय एक ही क्वेश्चन ने आपका काम कर दिया। आपकी मर्जी, आप तीन बार भी कर सकते हो, मनाही नहीं है, पर अगर आप एक बार में करना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट है। वेक्टर इसको आसान करता है। ये तो बिना वेक्टर के करवा रहा हूं, जब मैं वेक्टर करवा दूंगा फिर तो ये एक सेकंड में सॉल्व होगा, बताना ही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि आधे स्टूडेंट कहेंगे ऊपर पॉजिटिव लो, आधे कहेंगे ऊपर नेगेटिव लो, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और नीचे नेगेटिव लेता हूं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएंगे नेगेटिव। तो चेक करो, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है यार? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, जैसे मर्जी कर लो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे टाइम कैलकुलेशन होगी? पहले दो केस में इतना चक्कर नहीं है जितना इसके अंदर है। अब इस कंफ्यूजन को, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है ना, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या हो गया यार हमारे साथ, समझ नहीं आई। तो मैंने कहा समझ क्यों नहीं आई? वो कहता है यार समझ नहीं आ रहा कि आप इस तरीके से क्या, ये आपने पहले तो कोई बात ही नहीं की इस तरीके की। मैंने की नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, पर एक्चुअल में अगर ये रूल हम नॉर्मल क्वेश्चन में लगाएं, तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विथ 2 meters per second, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। राइट, आपको निकालना है इसमें एस कितना होगा। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। आप कहोगे इन क्वेश्चन में तो रूल लगाया नहीं कभी, लगा लो। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या होगी? 2 meters per second पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें? 0। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस 9.8। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होती है? नीचे। आपके सामने ही है, सेम रूल इस पे लगाओगे सेम आंसर आएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे ही रूल लगाते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमने याद ही किया हुआ है जी नेगेटिव जी पॉजिटिव, बात ही खत्म। क्योंकि सारा चक्कर पाना तो जी नहीं है ना, तो जी में जी की डायरेक्शन को हमने वैसे ही याद कर रखा है, बॉडी ऊपर जाएगी तो जी नेगेटिव है, नीचे आएगी तो जी पॉजिटिव है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि बॉल या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, इनमें लगाने की जरूरत नहीं है। पर लगाया जाए आंसर बिल्कुल सही आएंगे, पर हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी अननेसेसरी माइनस प्लस में गड़बड़ी ना हो जाए। पर लेकिन इसमें जरूरत थी क्योंकि इसमें वही बॉडी ऊपर भी जा रही है और वही बॉडी नीचे भी आ रही है, इसलिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मुझे बताना पड़ा आपको, अदरवाइज सारे क्वेश्चन नॉर्मल मिलेंगे आपको एक्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, अब जैसे सपोज करो दूसरा केस है इसी के अंदर साइन कन्वेंशन वाला ही, केस नंबर 2 की। सपोज आपके पास एक मान लो हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second, ये ग्राउंड है, ऊपर जा रहा है, किसी ने फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया, तो इसमें से एक फूड का पैकेट किसी ने क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप कर दिया। तो बताएं यू क्या है इसका?
जीरो, यस कि नो? कितने लोग कहते हैं जीरो? कितने लोग बोलते हैं नहीं? टू, सर टू। टू, जीरो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट न्यूटन लेके आएगा फोर्थ चैप्टर में। वो कहता है देखो, किसी भी बंदे का देखने का नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा वो यही डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। न्यूटन ने बनाए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम, जिस फ्रेम में मैं देख रहा हूँ मेरा देखने का नजरिया है, जिस फ्रेम में आप देख रहे हैं वो आपने देखने का नजरिया है। जैसे सपोज करो दो गाड़ियाँ चल रही हैं एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर से पूछा कि तू बता कि दूसरा ड्राइवर तेरे को किस पे लग रहा है? वो कहता जी रेस्ट पे लग रहा है। क्यों? दोनों 60-60 पे चल रहे हैं। तुम सड़क पे खड़े थे, दोनों गाड़ियां बिल्कुल सामने से निकल गई, आपसे पूछा स्पीड कितनी है बताओ गाड़ियों की, आपने कहा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसके देखने का नजरिया कुछ और है पर आपके देखने का नजरिया कुछ और है, तो आपका फ्रेम अलग है, उसका फ्रेम अलग है। अब जैसे सपोज करो एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। पायलट से पूछा आराम सीट पे बैठा है कि तू उड़ रहा है? वो कहता है जी नहीं जी, मैंने पर्दे लगा रखे हैं, हेलीकॉप्टर में दिख कुछ नहीं रहा, मैं तो रेस्ट पे कुर्सी पे बैठा हूँ, देखो आपके सामने मैं तो चल भी नहीं रहा, आप तो उड़ने की बात कर रहे हो। आप प्लेन में उड़ रहे हो, मान लो आप एरोप्लेन में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, पर्दे लगे हुए हैं, कुछ दिख रहा नहीं है, एरोप्लेन के अंदर जाते हैं कहाँ लगता है एरोप्लेन चल रहा है, तो लगता है रेस्ट पे खड़ा हुआ है। तो क्यों बाहर दिख नहीं रही चीज़ें, बस स्काई है वो तो चलता दिखता ही नहीं, तो आपको लगेगा आप रेस्ट पे, आपको लगेगा मैं भी रेस्ट पे, सब रेस्ट रेस्ट रेस्ट, सब बोलेंगे हम सब रेस्ट पे हैं। लेकिन जमीन पे खड़े बंदे से पूछो ना, जब ट्रेन सामने निकलती है लोग निकलते हैं, वो लोग ट्रेन कितनी देर जा रही है, अब प्रॉब्लम क्या है? आप अपना आंसर ट्रेन के अंदर जाके दे रहे हैं या ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे खड़े होकर दे रहे हैं? तो न्यूटन ने कहा कि दुनिया में कोई आंसर फिक्स नहीं है। कोई चांद पे जाके आंसर देना शुरू कर दे वो तो कहेगा ये धरती घूम रही है जी, कोई सूर्य पे जाके आंसर देना शुरू करेगा वो तो धरती घूम रही है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसका तो आंसर ही कुछ और हो गया। आप अभी रेस्ट पे बैठे हैं, अपने आप को रेस्ट पे बोल रहे हैं, वो कहता जी आप ऊपर चले जाओ यूनिवर्स में, पूरी धरती घूम रही है, आप कैसे रेस्ट पे हो गए? सिंपल। तो इस दुनिया में कोई भी रेस्ट पे है ही नहीं, हर कोई मोशन में है, पर आपको अगर वो रेस्ट पे लगता है वो आपकी डेफिनेशन है। पर न्यूटन ने ये भी कहा इस चीज़ का कभी अंत नहीं है, क्योंकि कोई सूरज पे बैठ के आंसर दे रहा है, कोई धरती पे बैठ के आंसर, कोई चांद पे आंसर देगा, कोई ट्रेन पे खड़े होकर देगा, कोई प्लेन पे खड़े होकर देगा, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसे आंसर देने लगे फिर तो एक कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। तो न्यूटन ने कहा फैसला करते हैं हम सारे आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देंगे, और ये मानना पड़ेगा कि ग्राउंड रेस्ट पे है, आप यूनिवर्स पे खड़े होकर आंसर मत देना प्लीज़, फिर क्योंकि आप धरती भी घुमा दोगे। तो कहता कहीं तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स सॉल्व ही नहीं होगी, हर कोई मोशन में है। तो हम ये मानते हैं अर्थ रेस्ट पे है, इसलिए क्योंकि अर्थ चल रही है उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, तो हमारे लिए रेस्ट पे है। और हम अपने आंसर, अगर अर्थ के ऊपर कोई चीज उड़ रही है तो हम अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही देंगे, ये फैसला हमने किया। अब आने वाले टाइम में डिस्कशन होगी, पूरा चैप्टर इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया उसने कि कैसे सॉल्व करना है, राइट? इंटरेस्टिंग होती जाएगी फिजिक्स और जाके, क्योंकि ये सारी चीजों का आंसर अलग अलग लोगों से पूछा जाएगा तो अलग अलग आंसर आएंगे। अब ये बताओ, किसी ने आंसर दिया कि हेलीकॉप्टर के अंदर जब फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, कोई कहता है जी वो तो रेस्ट पे था, तो वो स्टूडेंट जो आंसर जीरो दे रहा है ना, वो हेलीकॉप्टर के अंदर खुद पायलट बना हुआ है, वो कह रहा है जी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद द स्पीड ऑफ टू, पायलट कहता है कि पायलट भी उड़ रहा है विद द स्पीड ऑफ टू, तो पायलट को लगता है मैं तो रेस्ट पे हूँ, और हाथ में रखे बैठा है फूड पैकेट, फूड पैकेट की स्पीड भी टू, तो कहता है फूड पैकेट तो मेरे हाथ में चल कहाँ रहा है? जीरो। लेकिन आप लोग यहाँ धरती पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो आपसे पूछा आपको क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ टू, मैंने कहा पायलट, आपने कहा पायलट उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ टू, मैंने कहा फूड पैकेट, आपने कहा फूड पैकेट भी उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ टू, देखो आंसर में फर्क आ गया। तो आप अपना क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? ग्राउंड। तो आप ना कहें कि ड्रॉप, ये ड्रॉप किया गया, चाहे ड्रॉप किया पर आपके हिसाब से ये पैकेट पहले उड़ रहा था विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड होगा ऊपर की तरफ। इम्पॉर्टेंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम पता है कि मैं ऊपर नीचे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर पैकेट
जैसे ही छोड़ा जाएगा, आप धरती पे खड़े हैं, आपको कैसा दिखेगा स्लो मोशन में? ध्यान इधर, तो इसके अंदर ये पैकेट उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से ये पहले ऊपर जाएगा कुछ देर के लिए, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी और फिर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा, हेलीकॉप्टर तो ये छोड़ चुका। तो जैसे फूड पैकेट बाहर निकलेगा, पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी लेके ही निकलेगा। तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी अगर 2, तो पैकेट की वेलोसिटी भी 2। हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन ऊपर, तो पैकेट की डायरेक्शन भी ऊपर। ठीक है, तो इमेजिन करो 2 मीटर पर सेकंड से पैकेट ऊपर जा रहा है, कुछ देर के लिए, चाहे हल्का सा देर के लिए ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। फिर वही सेम प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे, तो फिर इसमें साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी। उनमें साइन कन्वेंशन लगानी नहीं पड़ती जिसमें सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर। जब ऊपर नीचे, तो फिर डायरेक्शंस का रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जैसे सपोज करो एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की स्पीड 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर। आपने एक बॉटल को फेंक दिया पानी की भरी हुई, तो पानी की भरी हुई बॉटल वहीं गिरेगी चलती ट्रेन में से जहां आपने गिरी थी? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ गिरेगी? थोड़ी सी आगे गिरेगी। क्यों? क्योंकि उस बॉटल की स्पीड भी कितनी है? 100। एक बॉटल गिर गई, ठीक, 100। अब बेसिकली क्या है, 100 की स्पीड से चली तो थोड़ी आगे गिरेगी। मैं ट्रेन में खड़ा हूं, ट्रेन ट्रेन इधर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड भी कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। मैं जमीन पे उतर जाता हूं, क्या होगा? गिरता जाऊंगा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड कितनी है? 100। अगर कोई कहता है सर आपकी स्पीड तो रेस्ट पे है, मेरे को समझा रहे हैं ट्रेन में खड़े हो गए, भाई तू तो रेस्ट पे है, उतर जा। तो देखो मैं उतर गया तो फिर मैं बचूंगा, क्योंकि रेस्ट रेस्ट नहीं। इसका मतलब कहीं तो जो मेरी स्पीड है वो 100 है और ग्राउंड रेस्ट पे है, चोट लगेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2। कहां? ऊपर की नीचे? ऊपर। ठीक है, तो सपोज करो क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर की हाइट यहां से 40 मीटर है, अभी इस इंस्टेंट जब पैकेट को गिरा गया, टाइम बताओ पैकेट कितनी देर में नीचे गिरेगा। अब पहला तरीका, आप जर्नी को पहले लें ऊपर, पैकेट जाएगा ऊपर टाइम T1, फिर आएगा वापस यहाँ टाइम T2, फिर आएगा T3, वो भी चलते हेलीकॉप्टर में, कौन करेगा सॉल्व T1 T2? एक ही क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो इसमें डिसाइड कर लेते हैं हम, इसमें ऊपर की डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव, तो नीचे क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। या ऊपर की डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव, तो नीचे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कुछ एक मान लें। तो इसमें जब मैं टाइम निकालना चाहता हूं और इक्वेशन लगाऊंगा एस इज इक्वल टू UT+ ½ AT² तो ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की ऊपर? ऊपर, इनिशियल ऊपर। ऊपर साइन कन्वेंशन क्या बोल रही है? नेगेटिव, तो क्या पुट करूंगा? -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? फिर बॉल नीचे आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर कहाँ कवर हो रही है? नीचे, तो क्या आएगा? +40। एक्सलरेशन कहाँ है? वो तो सदा ही नीचे है, +9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप ऐसे UT+ ½ AT² में पुट करेंगे, टाइम आ जाएगा 1 मिनट में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन ही आंसर दे देगी आपको। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक? ठीक, क्योंकि ये ट्रिकी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि डायरेक्शंस कंफ्यूज करती हैं, पर कंफ्यूजन ही नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट लगना है जिसमें बॉडी ऊपर जाके नीचे आती है, बाकी किसी में नहीं लगना, क्योंकि या तो बॉडी ऊपर जाएगी या बॉडी नीचे आएगी। और अगर कंफ्यूजन है तो फिर तोड़ लो जर्नी, ऊपर अलग कर लो, नीचे अलग कर लो, नीचे अलग कर लो, वो तो एंड सोल्यूशन है ही है उसका, तो उसमें तो साइन कन्वेंशन चाहिए ही नहीं है, उसमें तो नॉर्मल हो जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब पूछोगे आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने आता देखा नहीं पर मेरे पे विश्वास ना करो, क्योंकि अपने पे ट्रस्ट रखो, जो हम काम करेंगे सारा करना है, कोई ना पूछे आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्या आएगा यार पेपर में। तो अगर मुझे पता होता नहीं आना या आज तक आया नहीं, मैं क्यों कराता?
अच्छा बुक के अंदर आपने असाइनमेंट मैंने आपको दी, एनसीईआरटी की असाइनमेंट दी मैंने आपको, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, लगा लो जोर, क्यों? इसके ऊपर बेस था, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा था। अब वन और थ्री क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हम यहाँ पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार लगा के देख लेते हैं। जैसे सपोज शीट नंबर मोशन अंडर ग्रेविटी कौन सी है, 10। देखो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये पहला क्वेश्चन है, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में गिवन है। प्रॉब्लम गिवन है, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा पैकेट, फिर नीचे आएगा, अभी नीचे 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 आ रहा है, तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, भी निकालना है, ठीक है? अब एक तरीका, मैं पहले 2 मीटर पर सेकेंड पुराना तरीका ये लूँ, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी जीरो होगा, फिर यहाँ की वेलोसिटी निकाल लूँ, फिर 2 सेकेंड बाद फिर वेलोसिटी निकाल लूँ, ना ये नहीं होता। तो लगाएं साइन कन्वेंशन, क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके अंदर बॉडी ऊपर जाके नीचे आने वाली है, इसलिए, नहीं तो ना लगाता। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करें ऊपर की डायरेक्शन को क्या मान लें, नेगेटिव, तो नीचे की डायरेक्शन क्या मान लें, पॉजिटिव, ठीक है? पहले समझ लें, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो u की वैल्यू क्या लेंगे इसमें, -2 मीटर पर सेकेंड, तो u इसमें -2 हो जाएगा, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर जी क्या लेंगे, +9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, विच इज पॉजिटिव, राइट? क्लियर है यहां तक? तो आप इक्वेशन अप्लाई कर दें, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहां पर वी इज इक्वल टू यू की जगह पुट करेंगे -2, एक्सेलरेशन की जगह 9.8 इंटू 2, तो आपके पास क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ रही है चेक करना सॉल्व करके, कितनी, माइनस प्लस की माइनस, भाई मैं इसको सॉल्व करने को कह रहा हूं, सॉल्यूशन देखने को थोड़ा कह रहा हूं, इसे सॉल्व करो, कितना 15.6 पॉजिटिव की नेगेटिव, 17.6 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है मेरी साइन कन्वेंशन में, ऊपर के नीचे, तो बिल्कुल ठीक, वेलोसिटी पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन जो स्टूडेंट्स उल्टा करते हैं, वो ये कहते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन लेट अस सपोज पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन लेट अस सपोज नेगेटिव, ज्यादातर बुक्स भी यही करती हैं और कंफ्यूज कर देती हैं मेरे हिसाब से, और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे डायरेक्शन नेगेटिव में कंफ्यूजन क्या होती है बताता हूं। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू इसमें क्या आएगा, +2। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ, लेकिन नीचे तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो -9.8। अब यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? वो कहते हैं जी ऑब्जेक्ट तो नीचे आ रहा है, आपने भी सिखाया, हम भी क्लासेस 9-10 पढ़ के आए हैं, हमें सिखाया गया जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा जी तो पॉजिटिव है, पर यहाँ साइन कन्वेंशन की वजह से वो नेगेटिव लगा बैठता है, फिर वो किताब को पढ़ता है और समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है यार इस क्वेश्चन के अंदर, फिर उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन किए 2 या 1 हफ्ते से, वो भी कहीं गलत तो नहीं कर लिए, या ये गलत है क्वेश्चन, या बुक गलत है, या मैं गलत हूँ, ठीक? फिर आधे लोग में से 2-4 लोग कहते हैं यार मुझे लग रहा है मैं नॉन मेडिकल मेडिकल के ना फिट नहीं हूँ, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, ठीक है? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि
अब वो ऑथर कैसे समझाए बिना वेक्टर के ये बात कैसी है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप ये फैसला ना लें, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है, और वेक्टर करने के बाद इतना भी नहीं करना, वेक्टर करने के बाद दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दो लाइन छोड़ो 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आएगा, लेकिन बिना वेक्टर की ये लंबी कहानी है जिसमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ रहा है, अदरवाइज ये दो क्वेश्चन के अलावा कहीं साइन कन्वेंशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ दो क्वेश्चन के रूप में ये वाला एक नेक्स्ट बस। तो इसके अंदर जैसे बुक्स में क्या आगे बना है, फिर वही बात कि इसमें बुक्स में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो यू क्या ले लिया प्लस टू, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ले ली तो जी क्या ले लिया -9.8, और जब सॉल्व किया तो आंसर आया -17.6। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन क्या ली गई थी नेगेटिव, तो वी भी क्या आया नेगेटिव, इसका मतलब वी नीचे की तरफ है, नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो नीचे ऊपर को कैसे डिफाइन करना है समझ में आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, वेक्टर करेंगे तो एक मेथड सिखाऊंगा, आई कैप जे कैप जिन्होंने वेक्टर किया होगा, जैसे ऊपर की डायरेक्शन को लिखते हैं जे कैप, नीचे को लिखते हैं -i कैप, बस नीचे ऊपर का चक्कर ही खत्म कर देता है वेक्टर, बात ही खत्म, एक लाइन में हर स्टूडेंट एक ही फॉर्मूला लगाएगा और एक फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो फिलहाल अभी के लिए नहीं, जस्ट क्योंकि आप बुक्स पढ़ेंगे, आपके स्कूल में भी होगा या कहीं भी पढ़ लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पर मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है बुक्स के अंदर, और क्यों वो कैसे साइन कन्वेंशन से नीचे गिरती हुई बॉडी को भी जी को नेगेटिव ले रहा है जबकि होता नहीं ऐसा, तो इसलिए उसकी टेंशन ना लें, आप उल्टा ले लें तब भी चलेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उस पैकेट की, तो नीचे गिरने की डिस्प्लेसमेंट एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब या तो जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है तो यू पॉजिटिव है तो जी इसमें नेगेटिव है, तो आंसर किसमें आ गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे, क्योंकि इसको सॉल्व करते हुए ऊपर हमने क्या लिया पॉजिटिव और नीचे को क्या लिया हमने नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हो रही है नीचे, इसलिए एस के आगे साइन क्या लग रहा है नेगेटिव। पर अगर कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मेरे को ये मेथड पसंद नहीं, मैं तो ऊपर की डायरेक्शन को क्या लूंगा नेगेटिव और नीचे को क्या लूंगा पॉजिटिव, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा इसको तो पुट करेगा माइनस, सॉरी इसको यू को क्या पुट करेगा माइनस, ऊपर नेगेटिव है फिर इसको क्या पुट करेगा पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो नीचे पॉजिटिव मान रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे पॉजिटिव है। वैसे एक बात बताऊं ये ज़्यादा बेटर है डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे अगर पॉजिटिव लिया जाए तो कॉन्सेप्ट सही बैठता है, बुक्स सारी उल्टा करती हैं नीचे नेगेटिव लेती हैं, मर्जी है, पर मैंने बता दिया आपसे गलती भी हो गई तो क्वेश्चन तो फिर ठीक हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव लो नेगेटिव नेगेटिव लो क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर फिर ठीक होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है इसमें। ठीक, अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 सेकेंड, सीधा कह रहे हैं यहां से गिरा 6 सेकेंड में बॉडी नीचे आ गई, क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर। ये तो यार मुझे पसंद ही नहीं है जो ये मैंने खुद कर रखा है, बुक का तरीका इसलिए किया हुआ है, किताब ऐसे करती है समझ में आना चाहिए, मेरे को ये पसंद है कि नीचे की डायरेक्शन को हम क्या लें पॉजिटिव और ऊपर को क्या लें नेगेटिव, तो बना लो आप खुद ही बना लो। तो आपने कितनी स्पीड से फेंका 19.6, तो खुद बना लो अपना सॉल्यूशन, यू 19.6 है तो ऑब्वियसली जब आप इसमें इक्वेशन लगाएंगे यू को क्या पुट करेंगे इसमें ऊपर नेगेटिव, तो -19.6 मीटर पर सेकेंड राइट, और जी को एक्सलरेशन को नीचे की तरफ क्या लेंगे +9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, फिर आप इसमें लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, h आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी -19.8 है और टाइम कितना है 6 सेकेंड गिवन है, हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 19.6 है, अच्छा 19.6 है ठीक है, तो 19.6 और यहां पर 6 का स्क्वायर, तो आंसर इसमें क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां पर है नीचे और नीचे की डायरेक्शन हमने क्या ली पॉजिटिव, ये ज्यादा बेटर है, ये लिख लो उल्टा
इसके आगे, ताकि याद रहेगा। ये काट दो यार, ये उल्टा है। देखो इसमें उल्टे में क्या है, इसमें एच को नेगेटिव लिया, ए को नेगेटिव लिया और यू को, और एक ही बात है, फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी। मेथड समझ में आ रहा है? तो इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे, 58.8। अच्छा अब इसलिए आ रहा है वो एच को नेगेटिव ले रहा है ना इधर, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं मुझे पता नहीं इसका पहले हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारे मेथड फॉलो करो यार, छोड़ो एक कन्वेंशन ठीक है, छोड़ दो इसे। जो मैंने करवाया समझ में आ गया, बस डन है, वो सही है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेथड समझ में आ रहा है सबको। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन है शीट नंबर 9, 10, ये क्वेश्चन है। तो फिर से वही, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 76 मीटर, ये रहा 76 मीटर है, अबव द ग्राउंड एंड रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। उड़ते हुए बैलून में से हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को गिर रहे हैं। गिवन नहीं है, उड़ता हुआ बैलून है, बैलून में से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड? जब स्टोन को हमने छोड़ा था तो उस टाइम बैलून की वेलोसिटी क्या थी? अब रूल नंबर वन, जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी थी यू, वही बैलून की वेलोसिटी थी यू, तो यू निकालना है हमें। तो और हाइट क्या है, 76 मीटर, टाइम क्या है, 6 सेकेंड गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, मैंने इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ली, आप ऐसे मत लो, चाहे आप ऐसा कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव और नीचे की पॉजिटिव ले लो। ये देखो आप इसमें ऐसे करो, ये आपके पास ये ग्राउंड है, ये 76 मीटर है, ये एक बैलून है ठीक, और ये एक पैकेट है। तो बैलून की स्पीड अगर यू है, जो कि मुझे निकालनी है, तो इनिशियली पैकेट की स्पीड भी यू है ऊपर की तरफ, जो मुझे निकालनी है। मैं नीचे की डायरेक्शंस को मान रहा हूं पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शंस को क्या मान रहा हूं, नेगेटिव, राइट? 76 मीटर है और टाइम नीचे गिरने का 6 सेकेंड है, राइट? तो मैं अब अप्लाई करता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में मैं यू को क्या पुट करूं, यू तो निकालना ही है, रादर यू तो निकालना है, तो यू को मैं नेगेटिव पुट करूंगा, माइनस यू। क्यों? क्योंकि देखो ना, सारा कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता ना इसमें। ये देखो इसके अंदर मैं वैल्यू ही पुट कर रहा हूं डायरेक्टली। कैसे? एस को क्या पुट करूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है विच इज पॉजिटिव, दैट इज 76। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो माइनस यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन नीचे है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। जो लोग उल्टी साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो क्या करें, यू को जैसे ऊपर वाला अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कर दें, इन दोनों को नेगेटिव कर दें, टाइम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। टाइम तो खैर गिवन ही है इसमें, कितना, 6। तो यहां से टाइम को 6 पुट करके यू की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? कोई साइन कन्वेंशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, राइट? क्लियर है? ठीक है, इसी के बेस पे एक लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये गिवन है कि ये देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। टावर पे चढ़ के ऊपर फेंकती, बॉल ड्रॉप नहीं की, ऊपर फेंकी है, वही सेम प्रॉब्लम, ऊपर जाके नीचे गिरना है। तो वो नीचे गिरेगी वी स्पीड के साथ और कितने टाइम में, T1 टाइम में, तो ग्राउंड पे T1 टाइम लिया उसे नीचे आने में। इफ द सेम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विद सेम स्पीड v, तो नीचे पहुंचती है T2 टाइम में। थर्ड केस है, अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए तो कितने समय में नीचे पहुंचेगी?
तो डायग्राम से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। पहला केस, टॉप ऑफ द टावर से बॉल को कहाँ गिरा? ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो नीचे आई इन टाइम टी वन। दूसरा केस, टॉप ऑफ द टावर से बॉडी को थ्रो किया विद द वेलोसिटी ऑफ वी नीचे, तो कितने टाइम में नीचे आई? टी टू। तीसरा केस, एक बॉडी को अगर हम क्या कर दें, ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो कितने टाइम में नीचे आई? टी। आपको आंसर निकालना है टी इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू। रूल लगाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रूल, ये रहा पहला रूल। पहले रूल में बॉडी को कैसे घेरा? ऊपर, राइट। तो अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, इसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर लगाऊं, और मैं हमेशा की तरह इसको क्या लूं, नेगेटिव, और इसको क्या लूं, पॉजिटिव, तो मैं एस की जगह क्या पुट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो प्लस एच, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो माइनस वी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जी इंटू टी का स्क्वायर, राइट। पर जो लोग ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, एच को नेगेटिव लेंगे, जी को नेगेटिव लेंगे और वी को, वो एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, फर्क तो कुछ पड़ नहीं रहा। तो जो बुक्स हैं उसके अंदर ऐसे गिवन है, एच नेगेटिव लेता है पर मैं एच पॉजिटिव ले सकता हूं, लेकिन फिर वेलोसिटी मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, कोई डाउट? तो चलो, मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर ली, ठीक है, जिसमें ये यू नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, पहला रूल क्लियर है। अब बॉल को नीचे गिरा, देखो तो नीचे गिरने में प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ तो पॉजिटिव है क्योंकि एच भी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और जी भी पॉजिटिव है, और टाइम टेकन टी टू। सेकेंड इक्वेशन क्लियर। थर्ड इक्वेशन, ड्रॉप किया, ड्रॉप तो बहुत ही बढ़िया है, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, तीन इक्वेशन बन गई, केस नंबर वन से इक्वेशन बनी, केस नंबर टू से इक्वेशन बनी और केस नंबर थ्री से इक्वेशन बनी, बन गई यहां तक, कोई डाउट? इसमें आपको टी निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी वन टी टू, एच इलिमिनेट करना है, वी इलिमिनेट करना है। कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतनी बड़ी इक्वेशंस, इतने एक्टर्स करेक्टर्स बीच में, और फिर इसके अंदर से कहते हैं पर टी निकाल लो, टी टी वन टी टू, आंसर बताओ क्या होगा, मुश्किल है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ध्यान से, टी वन को यहां से कॉमन निकाल लिया, टी वन कॉमन निकाल के एच के नीचे ले आया, एच बाय टी वन, तो यहां पर क्या बचा, माइनस वी, और यहां पर क्या बचा, हाफ जी टी वन। बस ये देखो क्या स्टेप समझ में आया, इसमें से T1 को कॉमन निकाल लिया और T1 को यहां लेफ्ट पे ले आए, डिवाइड हो गया H by T1, तो ये बचा माइनस वी, ये बचा हाफ जी T1। फिर मैंने इस इक्वेशन में से भी T2 को कॉमन निकाल लिया राइट साइड से, इसके नीचे ले आया तो क्या बना, H by T2, ये V बचा और ये हाफ G2, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि दो इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस वी और प्लस वी कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गए, एच कॉमन आ गया, वन बाय टी वन वन बाय टी टू, हाफ जी कॉमन आ गया टी वन प्लस टी टू, यहां से एलसीएम लिया, टी वन प्लस टी टू कैंसिल हुआ और एच की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू। एक और एच आ गया, एक एच और पड़ा है ऑलरेडी मेरे पास, ये रहा, ये भी एच है, ये भी एच है, इन दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, ये इक्वेट कर दिया, जी और जी कैंसल, हाफ और हाफ कैंसल, आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू। ये क्वेश्चन करने के बाद घर जाके लोग कहते हैं, सोच रहा हूं कमर्स देख लेते हैं कैसे करनी है, क्योंकि ये तो होने से रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला नोट करें, टी इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू, आज के बाद अगर बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो टी वन टाइम, नीचे फेंकेंगे तो टी टू टाइम, ड्रॉप करेंगे तो टी टाइम, टी इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू, एनसीईआरटी सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा टी इज रूट टी वन टी टू। मैंने कितनी शीट्स फाड़ रखी होंगी आपको अंदाजा भी नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए देख के मैं भी घबरा गया, चार पांच तो उड़ा दी होंगी मैंने भी, या आपको लग रहा है कि मैंने सॉल्व किया, भाई मेरे को पता है मैंने कैसे सॉल्व किया होगा, पहले तो मैंने आपकी तरह इसको इसको इक्वेट इसको पागल हो गया था मैं भी, फिर मैंने कहीं से देखा भाई ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैंने देखा इसको इस तरीके से करते हैं, तो किसी समझदार आदमी ने कुछ ना किया ही होगा, कहीं से देखा ही होगा, तो फिर जाके ये आंसर आया। तो आपको नहीं करना, तो आप स्ट्रेस ना लें कि यार ये ऐसे क्वेश्चन स्कूल में आएंगे, ऐसे कॉम्पिटिटिव कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा,
पर आपको जो सिखाना था वो था कॉन्सेप्ट कि कैसे इक्वेशंस तैयार होती हैं और कैसे ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन किया आपको नहीं आएगा, आप सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे टी इज इक्वल टू रूट टी वन टी टू। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? आपको नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको।